गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों आज हम चैप्टर करेंगे संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। जैसा कि आप गेम भी खेलते होंगे नेम प्लेस एनिमल थिंग्स, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी का भी नाम, कोई भी स्थान, कोई भी प्राणी यानी कि जो सजीव है वो, और कोई भी जैसे थिंग्स, कोई भी वस्तु, इस तरह से ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, संज्ञा में। तो देखिए संज्ञा हमें क्या समझाना चाहती है। संसार में जितने भी प्राणी तथा वस्तुएं हैं सबका कोई ना कोई नाम अवश्य है। नाम से ही किसी प्राणी अथवा वस्तु की पहचान होती है। व्याकरण में इसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? किसी भी प्राणी या वस्तु, किसी का भी नाम और उसकी पहचान, ये सभी चीज़ें संज्ञा होती है और व्याकरण में इसको ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये एक पार्क है, तो यहाँ क्या क्या संज्ञा है। बगीचा संज्ञा है, बॉल संज्ञा है, लड़की, बचपन, खुशी, झूला, फूल, चिड़िया, लड़का, कुत्ता और पेड़। ये सभी चीज यहाँ जो आपको दिख रही हैं ये सब संज्ञा हैं। तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे। ऊपर दिए गए चित्र में लड़की, लड़का, कुत्ता, चिड़िया, प्राणी का नाम और बगीचा, जैसे ये तो सब क्या हो गए, ये तो सभी प्राणी के नाम हो गए। अब देखिए बगीचा स्थान का नाम, फूल, पेड़, झूला वस्तुओं के नाम तथा खुशी, बचपन, भावों के नाम हैं। ये सभी नाम संज्ञा शब्द हैं। भाव यानी मन के भाव, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो सभी इसमें आएंगी भाववाचक में। जिन शब्दों से किसी स्थान, प्राणी, वस्तु अथवा भाव का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा के भेद कितने होते हैं, जैसा कि आप पहले भी पढ़ते आए हो बच्चों। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, जो शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। देखो विशेष आ गया है यहाँ, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है विशेष, चाहे तो वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, किसी का भी अगर वो बोध करा रहे हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आई होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसके आगे विशेष लग जाता है, यानी कि जो चीज़ एक होती है वो विशेष में आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे देखिए विशेष व्यक्ति में तो हो गए महात्मा गांधी, विशेष पुस्तक में हो गए कुरान, और विशेष जैसे ये तो हो गई वस्तु और ये हो गया जैसे स्थान। तो जैसे ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, महात्मा गांधी, कुरान और हिमालय, तो ये क्या हो जाएंगी, ऊपर दिए गए किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम हैं, इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए कुछ और उदाहरण व्यक्तिवाचक के, स्थान के और वस्तु के। व्यक्ति में कौन कौन आएगा, लाल बहादुर शास्त्री, प्रेमचंद, अब्दुल कलाम, भगत सिंह, किसी का भी नाम व्यक्ति में आ सकता है। स्थान, लाल किला, ताजमहल, दिल्ली, चंडीगढ़, कावेरी, लखनऊ, अमेरिका, जापान, इसमें किसी भी स्थान का नाम आ सकता है, अलवर, दिल्ली, जयपुर, सब चीज़। वस्तु, गीतांजलि, हीरो साइकिल और लक्स सब, ये सब इसके वस्तु में आ गए। वस्तु में कोई भी पुस्तक का नाम और कोई भी कंपनी की चीज़ों का नाम, जिसका नाम दिया गया हो वो सभी चीज़ें वस्तु में आएंगी। तो बच्चों आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। सेकंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द एक जाति की सभी वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध कराते हैं। देखो उसमें तो क्या था, विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इसमें जाति की सभी वस्तुओं, एक जाति होगी लेकिन उसकी सभी वस्तुओं, सभी प्राणियों और सभी व्यक्तियों, सभी स्थानों का बोध होता हो। जैसे हाथी, हाथी इसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं।
अगर हम कह दे कि हाथी का नाम कुछ है, जैसे मान लो कि हाथी का, जैसे हाथी का कोई नाम होता, शिक्षक कोई नाम से होते और किसान, किसान का कोई नाम होता, लेकिन ये इनकी सभी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। ऊपर दिए गए नाम हाथी, शिक्षक और किसान ऐसे शब्द हैं जिनसे उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा हो, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। देखिए कौन कौन आ जाएंगे इसमें, प्राणी, प्राणी में कौन आएगा, मनुष्य, नेता, मंत्री, लड़का, मोर, पक्षी, आदमी, छात्र, ये सभी प्राणी में आ जाएंगे जो इसकी संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे। वस्तु देखिए, घड़ी, चाकू, पुस्तक, हवाई जहाज और कुर्सी, ये सभी चीजें वस्तु में आ जाएंगे। स्थान, गांव, डाकघर, शहर, नदी, रेगिस्तान और विद्यालय, इनका अगर कोई नाम होता तो ये व्यक्तिवाचक में आती, अब ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं इसलिए ये जातिवाचक में आएंगे। नेक्स्ट है हमारी भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव, हमारे मन के जो भाव होते हैं, सुंदरता, बुढ़ापा, ठंडक, ये सारी चीजें हम महसूस करते हैं, ये भाववाचक संज्ञा होती है। देखिए ऊपर दिए गए नाम सुंदरता, बुढ़ापा और ठंडक ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या व्यक्ति के गुण, दोष या भाव प्रकट होते हों उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए भाव में क्या क्या आएगा, दया, परोपकार, दयालुता, अहिंसा, प्रेम, शांति, ये सब हमारे भाव हैं जिनको हम महसूस करते हैं। गुण और दोष, बुद्धिमानी, मूर्खता और चतुराई, हम ये नहीं देखेंगे कि इसके गुण ही गुण देखे जाए, उसके अवगुण भी उसी में आएगा भाववाचक संज्ञा में। अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, यौवन और शैशव, यानी कि बचपन जो बच्चे छोटे होते हैं, बुढ़ापा जो बूढ़े हो जाते हैं, यौवन जवानी वाला और शैशव होता है छोटे से बच्चे, बिल्कुल छोटे जो होते हैं, ये अवस्था भी भाववाचक संज्ञा में आएगी। स्थान, इसमें देखिए क्या है, सॉरी, स्वाद, खटास, मिठास, कड़वा, ये सभी चीजें भाव का बोध कराती हैं इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे देखिए बच्चों, हमारे कुछ जो भाववाचक संज्ञाओं को रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। अब क्वेश्चन आएगा कि भाववाचक संज्ञा और किन किन शब्दों से बनाई जा सकती है, तो आपको क्या लिखना है, संज्ञा से, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से, भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, मात्र, मातृत्व, बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, दानव, दानवता, चोर, चोरी, मनुष्य, मनुष्यता, युवक, यौवन, पशु, पशुता, इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो सर्वनाम से किस तरह से बनाएंगे बच्चों, अहम, अहंकार, अपना, अपनत्व, स्व, स्वत्व, सर्व, सर्वस्व, मम, ममत्व, निज, निजता, ये तो हमारे हो गए जातिवाचक संज्ञा से, ये हो गए सर्वनाम से। अब हम बनाएंगे विशेषण से, कठोर, कठोरता, गरीब, गरीबी, कायर, कायरता, छोटा, छुटपन, चालाक, चालाकी, खुश, खुशी, इस तरह से ये हो गए हमारे विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए क्रिया से, क्रिया से क्या क्या हो जाएगा, लिखना का, लिखाई, उड़ना, उड़ान, बढ़ना, बढ़ाई, दौड़ना, दौड़, चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, बहना, बहाव, उतरना, उतार, हंसना, हंसी। तो बच्चों ये हो गए हमारे
सर्वभाववाचक संज्ञा बनाने के नियम जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। एक जैसे इसमें होता है सर्वनाम, ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किन किन शब्दों की आवश्यकता होती है, तो देखो पीछे जिनमें जैसे त्वे, पन, पा, आई और एक ये ई, इस तरह से शब्द जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे इसमें तो पन जोड़ दिया, इसमें त्वे जोड़ दिया, इसमें ता जोड़ दिया, जैसे यहाँ है कठोरता जोड़ दिया, ता जोड़ दिया, इसमें इसमें बड़ी ई जोड़ दी, इस तरह से त्वे, पन, पा, आई और बड़ी, इस तरह से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद मानते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक में देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, भीड़, सेना, दल, कक्षा आदि। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी क्लासेस में इसके पांच भेद बताते हैं या छोटी क्लासेस में, और यहाँ हमारे तीन भेद बताए हैं, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद बताए हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, दूध आदि। तो इस तरह से बच्चों आपको ये समझ में आई होगी कि संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, सर्वभाववाचक संज्ञा और किन शब्दों से बनाई जा सकती है, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको संज्ञा का ये जो टॉपिक है अपना जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, अपनी बुक में से पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम भेज देंगे, आप उनको सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।